हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। तो हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखी है स्पिरुलिना के ऊपर, तो ये चौथी वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्पिरुलिना के साथ में पतंजलि मोरिंगा भी ऐड करके अपना प्रोडक्ट लाया है। साथ में उसमें एक में आंवला ऐड किया है, एक में अश्वगंधा ऐड किया है। तो फिर अभी हम कवर कर रहे हैं मोरिंगा के बारे में कि इसमें क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, बिकॉज स्पिरुलिना के ऊपर तो मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। वो तीनों वीडियो आप ज़रूर देखना, उसके बेनिफिट आपको बहुत पसंद आएंगे। हम इंसानों को बहुत सारी बीमारियाँ होती है, लगभग इतनी बीमारियाँ होती है कि जिसपे एक एनसाइक्लोपीडिया नाम की बुक बन चुकी है। उतनी बीमारियों के नाम तो हम जानते भी नहीं, बट कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो आम तौर पर देखी जाती है और हम जो रोज़ सुनते रहते हैं, जैसे कि किसी को खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, डायबिटीज़, अस्थमा, चिकनगुनिया, ऐसे छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं ये सब जो होती रहती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्पिरुलिना क्या करता है, आपकी जो कम से कम 50 तरह की बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और आपकी कोशिकाओं को बचाने वाला। ऐसे ही तो स्पिरुलिना का नाम सुपरफूड नहीं पड़ा। साथ में जो मोरिंगा है, मोरिंगा भी कुछ कम नहीं है स्पिरुलिना के मुकाबले। उसमें भी कम से कम लगभग 50 तरीके की बीमारियां ठीक करने की उसमें क्षमता है। तो वो सब कुछ मैं अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आप लोग का इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों। तो चलिए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए जब वीडियो लाऊंगा तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। मोरिंगा कोई अनजान नहीं है, ये तो आपके किचन में ही पाया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इस वीडियो को सिर्फ 5 सेकंड देखने के बाद में इसे पॉज कीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा वृक्ष है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों जो लोग भी गांव में रहते हैं उन्होंने 1 सेकंड के अंदर पहचान लिया कि ये सहजन का ही वृक्ष है। जी हाँ, जो हमारे दालों में, हमारी सब्जियों में और जब सांभर में डलता है तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल ऑसम हो जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, उसे निकाल के साइड में रख देते हैं। बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप आज के बाद जरूर इसको खाएंगे। मतलब सहजन और मोरिंगा सेम है, बस उसका नाम डिफरेंट है, इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है सबसे बड़ा, जो इसका न्यूट्रिएंट पैक्ड है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन इतने सारे, अमीनो एसिड का प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन ए, सी और विटामिन ई भी है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है, ये फाइट फ्री रेडिकल्स है, आपके शरीर के अंदर ये फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता। इसका मतलब जो कैंसर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी, उसको भी ये पनपने नहीं देगा। आपका जो स्ट्रेस है उसको ये दूर करेगा, साथ में आपकी जो कोशिकाएं हैं उसे भी ये मरने से बचाएगा, तो ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लामेशन। जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज होने का खतरा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में कार्डियोवास्कुलर की डिजीज़ हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी रुक सकती है मोरिंगा का सेवन करने से। मोरिंगा एंटीबायोटिक और पेन किलर है। कभी अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए तो उस चोट के जख्म को जल्दी से भरने के लिए और दर्द को कम करने के लिए मोरिंगा आपकी सहायता करता है। उसके साथ में ये आपके जो ब्रेन हेल्थ है उसके लिए भी ये जरूरी होता है। मोरिंगा के अंदर निया जिमसिम नाम का एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। जिन लोगों की पाचन क्रिया बिल्कुल खराब हो चुकी है उनकी पाचन क्रिया को शक्तिशाली बना देता है। जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है उनके स्पर्म काउंट में इजाफा करता है। साथ में जिन लोगों को हड्डियों में कमजोर है, वीकनेस है, उनकी हड्डियों को ये मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम तो है ही है, साथ में इसमें फॉस्फोरस भी है। तो पतंजलि ने इतना अच्छा काम किया है, एक तो स्पिरुलिना के अंदर अनलिमिटेड टन्स ऑफ बेनिफिट, इतने सारे बेनिफिट के साथ में ये मोरिंगा के जो बेनिफिट है इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसका जो कॉम्बिनेशन जो निकल कर सामने आएगा उसके जो बेनिफिट आपको
मिलेंगे वो अविश्वसनीय है। उसका आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतने सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं एज पर पतंजलि गाइडलाइन। इसका जो सेवन है ये किस प्रकार से करना है, दिन में सिर्फ आपको 1 से 2 कैप्सूल ही लेने, इससे ज़्यादा इसका सेवन ना करें। ज़्यादा लेने से इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और इससे एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो कंटिन्यू इसे बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी दवाई आप जब 1 से 2 महीने या 3 महीने का कोर्स होता है उसके बाद में उसे ब्रेक लेना पड़ता है, उसके बाद ही उसे लिया जाता है। कंटिन्यू उसे 6 महीने या साल भर तक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जब भी आप इसे लेंगे तो फिर आप अपने डॉक्टर से पहले परमिशन लेंगे, उनसे आपके जो फैमिली फिजिशियन है उन्हें पहले बताएंगे कि आप इसे लेने वाले हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिन है एक प्रकार की। हो सकता है आप कुछ अदर मेडिसिन ले रहे हो तो उसके आपके बॉडी के ऊपर कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो डायरेक्ट जाके परचेस कर लेंगे, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, उन्हें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ अदर मेडिसिन के साथ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब तक आप खुश रहें, सलामत रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।